नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं BSTC एग्जाम में पूछे जाने वाले राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, वह है वीर बालिका जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सैनिकों की गोली का शिकार हुई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कालीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के मूल निवासी थे? स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के मूल निवासी थे दोस्तों? तिलवा जोधपुर के। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता, वो कथन किसका है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह भारत का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया, वो कथन किस क्रांतिकारी पिता का है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह भारत का है दोस्तों। केसरी सिंह भारत के पिता का है दोस्तों कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया, वो कथन किस क्रांतिकारी पिता का है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह भारत के पिता का है दोस्तों ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है वीर क्रांतिकारी जिसे जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक प्रकाशन के लिए जिंदा जला दिया गया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसने की थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने अजमेर में कौन सा पत्र निकाला? तो विजय सिंह पथिक ने अजमेर से कौन सा पत्र निकाला था दोस्तों? नवीन राजस्थान है वो समाचार पत्र विजय सिंह पथिक ने अजमेर से निकाला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम है भूप सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था गुडावली बुलंदशहर यूपी में। विजय सिंह पथिक का मूल नाम दोस्तों भूप सिंह है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुडावली बुलंदशहर यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह भारत का जन्म 21 नवंबर 1872 को कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों इनका जन्म देवपुरा शाहपुरा में। केसरी सिंह भारत का जन्म देवपुरा शाहपुरा में 21 नवंबर 1872 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंछीड़ा नामक गीत के रचयिता हैं? पंछीड़ा नामक गीत के रचयिता दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह भारत ने 1 जनवरी 1903 ईस्वी में चेतावनी रा चुंगटिया के माध्यम से किसे लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराणा फतेह सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाराजा के शासनकाल में सागरमल गोपा को जेल में यातना दी गई? किस महाराजा के शासनकाल में सागरमल गोपा को जेल में यातना दी गई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जवाहर सिंह के शासनकाल में सागरमल गोपा को जेल में यातनाएं दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटुंडी अजमेर में 1927 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? अटुंडी अजमेर में 1927 ईस्वी में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी दोस्तों। अटुंडी अजमेर में 1927 ईस्वी में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमना लाल बजाज ने अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि वापिस लौटा दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवासी छात्रावास की स्थापना 1945 ईस्वी में उदयपुर में किसने की? वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली छात्रावास की स्थापना 1945 में उदयपुर में किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों नरोत्तम जोशी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं? राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद को जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ? एक आंदोलन दोस्तों मातृकुंड स्थान से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जब मैंने धनवानों के लिए लिखा है कि वे लोक कल्याण की दृष्टि से अपनी संपत्ति के ट्रस्टी बन जाएं, तब तब मेरे सामने इस वाणिक शिरोमणि का उदाहरण मुख्य रहा है। गांधी जी ने यह शब्द किस क्रांतिकारी के लिए कहे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? शांतिबाई शिक्षा कुटीर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। वनस्थली विद्यापीठ को पूर्व में शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मोतीलाल तेजावत ने अहिंसक एक आंदोलन 1921 ईस्वी का श्री गणेश किन गांव से किया? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाडोल व फलासिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट आर द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी? व्हाइट आर द इंडियन स्टेट्स पुस्तक है वो विजय सिंह पथिक ने लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई? राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई? तो जयनारायण व्यास ने दोस्तों सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। जयनारायण व्यास है उनका नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अल्ला जिलाई बाई। राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका का नाम है दोस्तों अल्ला जिलाई बाई, अल्ला जिलाई बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की मुक्ति के लिए अपने संसद परिवार को स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। रास बिहारी बोस ने यह शब्द किसके लिए कहे? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारट के लिए कहें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिचौलिया और बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंजना देवी चौधरी ने। बिचौलिया और बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने के बाद मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करने वाली महिला थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नारायणी देवी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।